इतना प्रेम हम जगत से करते हैं, इतना प्रेम जगन्नाथ से क्यों नहीं कर पाते? प्रश्न बड़ा उत्तम है, पर इस प्रश्न का उत्तर भी आपके ही पास है। हाँ, देखिए, प्रेम संसार से हम कर लेते हैं, पर भगवान से प्रेम नहीं हो पाता। अच्छा, भगवान से प्रेम कब होगा? उसके लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, हमें नित्य सेवा करनी पड़ेगी। आपके पास धन है तो धन से सेवा कीजिए, धन नहीं है कोई बात नहीं, आप झाड़ू लीजिए और मंदिर के पास या कहीं भी जहां कचरा हो झाड़ू लगा दीजिए। सेवा तो झाड़ू लगाना भी है ना। आप देख रहे हैं कि सड़क में कोई बूढ़ा व्यक्ति सड़क पार करना चाहता है, वो कर नहीं पा रहा है, तो आप उसे सड़क पार करा दीजिए, ये भी एक सेवा है। आप बस में यात्रा कर रहे हैं, आप सीट पर बैठे हैं, कोई बुजुर्ग खड़ा है, तो आप खड़े होकर बुजुर्गों को बिठा दें, मां को बिठा दें, ये भी एक सेवा है। जब आप सेवा से जुड़ेंगे तो भगवत भक्ति, भगवत प्रेम अपने आप जागेगा। आप जितना प्रेम संसार से करते हैं उतना प्रेम भगवान से आपको ही करना पड़ेगा। हाँ, आपको ही करना पड़ेगा ये काम, आप अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए ये काम सिर्फ आपका है। कैसे आपने बेटे से प्रेम किया, कैसे आपने परिवार से प्रेम किया, अब भगवान से प्रेम, प्रेम के लिए ही तो कथा सुननी चाहिए जो कि आप लोग सुनते हैं। तो भगवत प्रेम बढ़ाने के लिए पहले सेवा से जुड़ना पड़ेगा। विद्यार्थी पुराने जमाने में जब गुरुकुल होते थे तो गुरु शिक्षा तब देते थे जब विद्यार्थी भिक्षा मांग कर लाते थे, विद्यार्थियों से भिक्षा मंगवाया जाता था। क्यों? ताकि पहले ये गुरुजनों की सेवा करें, गुरुजनों के लिए मांग कर लाएं और गैया चराएं, आश्रम में झाड़ू पोंछा की सेवा करें। जब सेवा करेंगे तो सेवा करते करते ही भगवत प्रेम जागता है। मीराबाई का मैं चरित्र पढ़ रहा था, मीराबाई के दादाजी का नाम था दूधा जी। दूधा जी के पास भगवान का एक छोटा सा मंदिर था और राधा कृष्ण की मूर्ति थी। तो दूधा जी रोज कृष्ण का श्रृंगार करते, रोज उन्हें स्नान कराते, ठाकुर जी का श्रृंगार, दूध का मिश्री डालकर भोग लगाते। मीराबाई बैठी रहती और दादाजी फूल चढ़ाते तो वो भी फूल चढ़ाती, दादाजी आंख बंद करते भोग लगाकर तो वो भी आंख बंद कर लेती। मतलब वो सेवा, कभी दादाजी नहीं आते, लेट हो जाते तो वो सब काम कर देती, टूटा फूटा उससे जैसे बनता तो सेवा कर देती। मतलब सेवा जब करेंगे तो प्रेम अपने आप जागेगा। हां, कहते हैं ना कि जब गर्मी अधिक पड़ती है तो बरसात अच्छी होती है। पहले गर्मी का सीजन आता है फिर बरसात का आता है, अर्थात पृथ्वी जब तपती है उसके बाद उसमें पानी बरसता है। उसी प्रकार जब भक्त अपनी भक्ति और साधना से तपेगा, सेवा से तपेगा, तब उस पर प्रेम की बरसात होगी, जो कि बाद का सब्जेक्ट है। तो सेवा करिए तो प्रेम बढ़ेगा, ये आपके प्रश्न का उत्तर।